नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 में ब्रिटिश भारत के बंबई शहर वर्तमान मुंबई में हुआ था। उनकी माता का नाम रतन बाई था। 1940 में नलिनी जयवंत ने निर्देशक वीरेंद्र देसाई से विवाह किया। इस दौरान प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार के साथ नलिनी के प्यार की अफवाहें भी उड़ी। इसके बाद के समय में नलिनी जयवंत ने अभिनेता प्रभु दयाल के साथ दूसरा विवाह कर लिया। प्रभु दयाल के साथ उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया। नलिनी के पिता और अभिनेत्री शोभना समर्थ की मां रतन बाई आपस में भाई बहन थे। इस नाते नलिनी शोभना समर्थ की ममेरी बहन थी। दिलीप कुमार, अशोक कुमार और देव आनंद के साथ उन्होंने कई हिट फिल्में दी थी। भारतीय सिनेमा की उन सुंदर अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने 50 और 60 के दशक में सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया। हिंदी सिनेमा में प्रवेश की कहानी भी काफी रोचक है। किस्सा यूं है कि हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर के निर्माता निदेशकों में से एक थे चमनलाल देसाई। वीरेंद्र देसाई इन्हीं चमनलाल देसाई के पुत्र थे। उनकी एक कंपनी थी नेशनल स्टूडियोज। एक दिन दोनों पिता पुत्र फिल्म देखने सिनेमाघर पहुंचे। शो के दौरान दोनों की नजर एक लड़की पर पड़ी जो तमाम भीड़ में भी अपनी दमक बिखेर रही थी। यह नलिनी जयवंत थी जिनकी आयु उस समय बमुश्किल 13 या 14 बरस की ही थी। दोनों पिता पुत्र की जोड़ी ने दिल ही दिल में इस लड़की को अपनी अगली फिल्म की हीरोइन चुन लिया और ख्यालों में खो गए। फिल्म कब खत्म हो गई और कब वह लड़की अपने परिवार के साथ गायब हो गई, इसकी खबर तक दोनों को न हुई। एक दिन वीरेंद्र देसाई अभिनेत्री शोभना समर्थ से मिलने उनके घर पहुंचे तो देखा कि नलिनी वहां मौजूद थी। नलिनी को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई और बाछें खिल गईं। असल में शोभना समर्थ, जिन्हें बाद में अभिनेत्री नूतन और तनुजा की मां और काजोल की नानी के रूप में अधिक जाना गया, नलिनी जयवंत के मामा की बेटी थी। इस बार वीरेंद्र देसाई ने बिना देर किए नलिनी के सामने फिल्म का प्रस्ताव रख दिया। नलिनी के लिए तो यह मन मांगी मुराद पूरी होने जैसा था। डर था तो सिर्फ पिता का, जो फिल्मों के सख्त विरोधी थे, लेकिन वीरेंद्र देसाई ने उन्हें मना लिया। इस मानने के पीछे एक बड़ा कारण था पैसा। उस समय जयवंत परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। रहने के लिए भी उन्हें अपने एक रिश्तेदार के छोटे से मकान में आश्रय मिला हुआ था। इस प्रकार नलिनी जयवंत की पहली फिल्म थी राधिका, जो 1941 में प्रदर्शित हुई। वीरेंद्र देसाई के निर्देशन में बनी इस फिल्म के अन्य कलाकार थे हरीश, ज्योति, कन्हैयालाल, बुढ़ो आडवाणी आदि। फिल्म में संगीत अशोक घोष का था। इस फिल्म के 10 में से 7 गीतों में नलिनी जयवंत की आवाज थी। फिल्म राधिका के बाद इसी वर्ष महबूब खान के निर्देशन में एक फिल्म रिलीज हुई बहन। इस फिल्म में नलिनी के साथ प्रमुख भूमिका में थे शेख मुख्तार। साथ में थी नन्ही सी मीना कुमारी जो बेबी मीना के नाम से इस फिल्म में एक बाल कलाकार थी। इस फिल्म में संगीतकार अनिल बिस्वास ने नलिनी जयवंत से 4 गीत गवाए थे। इन 4 गीतों में से वजाहत मिर्जा का लिखा हुआ एक गीत था नहीं खाते हैं भैया मेरे पान, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। 1941 में ही फिर से वीरेंद्र देसाई के ही निर्देशन में बनी फिल्म निर्दोष आई, जिसमें मुकेश नायक की भूमिका में थे। फिल्म में मुकेश की आवाज में कुल 3 गीत थे जिनमें एक सोलो गीत दिल ही बुझा हुआ हो तो फसले बहार क्या था और बाकी 2 नलिनी जयवंत के साथ युगल गीत थे, जबकि नलिनी के 3 सोलो गीत थे। अपने एक संस्मरण में नलिनी जयवंत ने कहा था कि मैं जब बमुश्किल 6-7 साल की थी तभी ऑल इंडिया रेडियो पर नए नए शुरू हुए बच्चों के प्रोग्राम में भाग लेने लगी थी। इसी कार्यक्रम में हुई संगीत प्रतियोगिता में मैंने गायन के लिए प्रथम पुरस्कार जीता था। नलिनी जयवंत अपनी पहली ही फिल्म से सितारा घोषित कर दी गई थी। उस समय नलिनी फ्रॉक और 2 चोटी के साथ स्कूल में पढ़ रही थी। उम्र थी 15 साल। फिल्म आंख मिचौली 1942 की सफलता ने उन्हें आसमान पर बिठा दिया। नलिनी को फिल्मों में सफलता तो मिल गई, लेकिन उसी के साथ नलिनी पर फिदा वीरेंद्र देसाई को उनसे प्यार भी हो गया, शादी भी हो गई। इस मामले को उस दौर के लेखक ने इस तरह बयान किया है, जब ये हंसती है तो मालूम होता है कि जंगल की ताजगी में जान पड़ गई और 9 शगुफ्ता कलियां फूल बनकर रुखसारों की सूरत में तब्दील हो गई हैं। नलिनी जयवंत ने आंख मिचौली खेलते खेलते मिस्टर वीरेंद्र देसाई से दिल मिचौली खेलना शुरू कर दिया और यह खेल अब बाकायदा शादी की कंपनी से फिल्माया जाकर जिंदगी के पर्दे पर दिखलाया जा रहा है। लेकिन नलिनी जयवंत का यह वैवाहिक जीवन अधिक दिन तक नहीं चल सका और वीरेंद्र देसाई से उनका तलाक हो गया। नलिनी ने दूसरा विवाह अपने एक साथी कलाकार प्रभु दयाल से किया। 1950 के दशक में नलिनी जयवंत ने एक बार फिर धमाके के साथ अशोक कुमार के साथ फिल्म समाधि और संग्राम से नई ऊंचाई हासिल की।
हालांकि 1948 की फिल्म अनोखा प्यार में दिलीप कुमार और नरगिस के मुकाबले जिस अंदाज में उन्होंने काम किया उसकी जबरदस्त तारीफ हो चुकी थी, लेकिन इन दो फिल्मों ने उनके स्टारडम में चार चांद लगा दिए। फिल्म समाधि में गोरे गोरे ओ बांके छोरे कभी मेरी गली आया करो गीत पर कुलदीप कौर के साथ उनका नाच अब तक याद किया जाता है। सबसे बड़ी अदाकारा का दर्जा, अशोक कुमार के साथ नलिनी जयवंत की जोड़ी कामयाब तो हुई, वहीं दोनों के रोमांस की चर्चा भी शुरू हो गई। अशोक कुमार ने अपने परिवार से अलग चैम्बूर के यूनियन पार्क इलाके में नलिनी जयवंत के सामने एक बंगला भी ले लिया, जहां वे जिंदगी के आखिरी दिनों में भी बने रहे और वहीं प्राण त्यागे। इस जोड़ी ने 1952 में काफिला, नौबहार और सलोनी, फिर 1957 में मिस्टर एक्स और शेरू जैसी फिल्में की। दिलीप कुमार के साथ जिन्होंने नलिनी जयवंत को सबसे बड़ी अदाकारा का दर्जा दिया, उन्होंने अनोखा प्यार के अलावा शिकस्त 1953 और देव आनंद के साथ राही 1952, मुनिमजी 1955 और काला पानी 1958 जैसी कामयाब फिल्में की। फिल्म काला पानी में किशोरी बाई वाली भूमिका के लिए तो नलिनी जयवंत को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। निदेशक रमेश सहगल की दो फिल्मों शिकस्त और रेलवे प्लेटफॉर्म 1955 की भूमिकाओं के लिए भी नलिनी जयवंत को याद किया जाता है। काला पानी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम लगभग बंद कर दिया। दो फिल्में बॉम्बे रेस कोर्स 1965 और नास्तिक 1983 इसका अपवाद है। ये दोनों फिल्में भी रिश्तों के दबाव में ही की। नास्तिक में उन्होंने अमिताभ बच्चन की माँ की भूमिका निभाई थी। दो शादियों के बाद भी नलिनी माँ नहीं बनी, इसका गम उन्हें जिंदगी भर रही। यूनियन पार्क में उनका एक आलीशान बंगला था जिसमें आए दिन पार्टियां की जाती थी, लेकिन अफसोस आखिरी समय में उनके साथ कोई नहीं था। 84 साल की उम्र वो अपने आखिरी समय में बिल्कुल अकेली थी। उनकी मौत भी एक रहस्य ही थी। एक से एक हिट फिल्में देने वाली नलिनी ने खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर लिया था। 20 और कुछ लोग कहते हैं 21 दिसंबर 2010 को नलिनी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उसी आशीशान बंगले में जहां कभी पार्टी करने के लिए लोग जमा होते थे। पड़ोसियों को भी उनकी मौत की खबर नहीं लगी। 3 दिन तक उनकी मौत की खबर किसी को नहीं लगी। उनकी मौत के दिन बाद एक एम्बुलेंस आई और उनकी लाश लेकर चली गई। उनका अंतिम संस्कार कब हुआ, किसने किया, ये किसी को पता नहीं। तो यह हमारी ओर से नलिनी जयवंत को श्रद्धांजलि है। उम्मीदें वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।